बोच जती। आज अपने आप पर अंधा एतमाद करने के बजाय सोच विचार जरूर करें और हकीकत पसंदी से काम लें, क्योंकि किसी भी पुरानी सोच या तरीके कार को अगर गैर संजीदगी से लेंगे तो यकीनी तौर पर आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने मकसद का हसूल मुमकिन बना लें तो आने वाला काफी अरसा बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। किसी भी काम के आगाज में सुस्ती और लापरवाही की बजाय खुद को मुतहरिक करना ही जरूरी होता है। अपने दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर बनाकर उनकी राय को मद्देनजर रखकर फायदेमंद हालात की बुनियाद रख सकेंगे, जिसकी वजह से किसी भी नुकसान से बचाव मुमकिन हो सकेगा। अपनी जाती जिंदगी में गैर जरूरी सरगर्मियों को शामिल करने से इज्तनाब करें। बोझ दिल। आज किसी नई शराकतदारी का तजर्बा कामयाब रहेगा और खुशगवार नताइज दे सकेगा, जिससे माली मफादात भी मुमकिन हो सकेंगे। अपने प्यारों से मुलाकात के दौरान खुद को हर हाल में मस्बत रखें और दोस्ताना माहौल से लुत्फंदोज होने की कोशिश करें, जबकि अपनी शरीके हयात के मशवरों को नज़रअंदाज ना करें। अपनी किसी दोस्त की बीमारी में उसकी मदद करने की कोशिश भी ज़रूर करें। अपने आप को किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल के लिए तैयार रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हर चीज़ की अहमियत के बारे में ज़रूर सोच विचार करें कि उसकी क्या चीज़ और क्या बात है और क्या उसमें अहमियत पोशीदा है। दूसरों को फरिश्ता समझकर एतमाद करने का ज़माना नहीं, लिहाजा हकायक को सोच समझकर ही काम सर अंजाम दे, नहीं तो किसी बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। बुर्ज हूत। आज अपने पुराने मामलात को हतमी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा अपने करियर को आगे बढ़ाने और किसी कारोबार में हिस्सा लेने के मौके से भी भरपूर फायदा उठा सकेंगे। आपके लिए ऐसी किसी भी पेशकश से फायदा उठाना ना सिर्फ आपके लिए माली तौर पर फायदेमंद साबित हो सकेगा, बल्कि उससे आप अपने घरेलू बजट को भी बेहतर बना सकेंगे। अपनी मस्बत सोच से काम लेकर बेहतरीन कारकर्दगी का इजहार करना आसान होगा, जबकि बहुत से दीगर अफराद की सोच को मुतासर करने के लिए पुरानी गलत फहमियाँ ख़त्म करने की कोशिश में भी कामयाब हो सकेंगे। आज किसी नई दोस्ती का आगाज हो सकता है, इसलिए एहतियात से मामलात को आगे बढ़ाएं। बुर्ज हमल। आज सितारों के असरात की वजह से आप मामूल से ज्यादा बेहतर मूड में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म की सूरत हाल को संभालना मुश्किल नहीं होगा। इस बेहतर और मस्बत लम्हात का फायदा उठाकर अपने बहुत देर से जेरे इल्तवा शिकार मसाइल को बआसानी हल कर सकेंगे। आज अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को ना सिर्फ हौसला दे सकेंगे, बल्कि उन्हें अपने ख्यालात और नजरियात से मुतासिर भी कर सकेंगे। आज अगर मुमकिन हो सके या मौका मुयसर आ सके तो अपने प्यारों से तहाइफ का तबादला करना बेहतर रहेगा, जबकि इससे अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत भी बना सकेंगे। इन हालात में यकीनी तौर पर आपको किसी से गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी नए इख्तलाफात की बुनियाद रखना चाहिए। बुर्ज सोर। आज जरूरियात से ज्यादा हसास होने की वजह से किसी की बात को बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी भी मसले को अपनी मस्बत सोच और अमली जद्दोजहद से हल करने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। किसी खास फर्द पर तनकीद करने में एहतियात करें। अपने सितारों की मदद से हासिल होने से आपको अपने मकसद के हसूल के लिए दूसरों का तआवुन जरूरी होगा, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। दूसरों से मुतासिर ना हो और ना ही उन्हें किसी भी किस्म का मौका फराहम करें कि वो आपकी शख्सियत या जात के बारे में कोई भी हुक्म चला सके। अपने लिए कोई भी बामकसद मसरूफियत जरूर तलाश करें और जो ख्याल या बात अच्छी लगे उसका अमली नफाज करने के लिए फौरी कदम उठाएं। बुर्ज जोजा।
आज आपके सितारे आपकी मुआफिकत में होंगे, इसलिए खुद को परेशान मत करें बल्कि हिम्मत और जुरत से काम लेकर इकदाम करें और फिर नताइज का इंतजार करें, लेकिन खुद को पुरजोश मत बनाएं। आज दूसरों से मुतासिर होने के बजाय अपने मौजूदा हालात का जायजा लेकर नई मंसूबा बंदी करें। इसके अलावा दोस्तों से राब्ता बहाल करने से आपकी कामयाबी के इम्कानात बेहतर और रोशन हो सकते हैं। आज आप दूसरों के सामने खुद को मुखलिस और ज़हीन फर्द के तौर पर नुमाया कर सकेंगे, तो बेहतर होगा कि जब आप कोई भी ऐसी गैर मुतवक्के सूरतेहाल से दोचार हो तो आप अपना दिल हार जाएं या कोई पुराना रिश्ता नए रंग में सामने आ जाए तो आप बेबस होकर रह जाएंगे। जबकि आज कोई भी ऐसी गैर मुतवक्के सूरतेहाल पेश आने से आप अपना दिल हार जाएं या कोई पुराना रिश्ता नए रंग में सामने आ जाए और आप बेबस महसूस करें, तो खुद को हिम्मत दें और तहम्मुल और बुर्दबारी से हालात का मुकाबला करें। बुर्ज सरतान। आज हकीकत पसंदी से काम लेकर अपने अहम अमूर अंजाम देने की कोशिश करें और मौजूदा हालात में अपने तसव्वुरात से खौफजदा ना हो बल्कि खुद को अमली जिंदगी में वापस लाने की भरपूर कोशिश करें। अपनी तरजीहात को जिंदा रखते हुए मुखलिस अहबाब से मुशावरत करके अपना हदफ हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। अपनी जाती और कारोबारी मामलात में दूसरों की मुदाखलत की वजह से बाहमी रंजिश जन्म ले सकती है, लेकिन परेशान ना हो, ये सब बातें वक्ती साबित होंगी। दिन गुजरने के साथ साथ आपका रवैया मोतदिल होता रहेगा। अपने प्यारों से मुलाकात करके गपशप लगा सकेंगे, लेकिन अपने दोस्तों से मुनासिब हद तक महदूद रहने की कोशिश करें। बुर्ज असद। आज आप अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखकर खुशी महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा आज आप में मौजूद जिंदगी के कहीं असरार खुल सकेंगे, जिससे आप में बहुत सी मस्बत सरगर्मियों का आगाज हो सकेगा, मगर ऐसी सरगर्मियों से गैर मुतवक्के मुनाफे उम्मीद ना रखें। हर काम में नफासत और उम्दा मेयार की ख्वाहिश दिल में जाग सकती है, क्योंकि आज दिन के आगाज से ही आपके सितारे आपकी मदद करने और आपके लिए मुफीद मौके पैदा करने के में मसरूफ़ अमल रहेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तहरीक पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपका लाशऊर मुतहरिक होकर आपके ख्वाबों को नुमाया करने का बाइस भी बन सकता है, और हकीकत में यही असल कामयाबी है। बुर्ज सुंबला। आज आपके ताल्लुकात अपनी शरीके हयात से बहुत बेहतर होने की वजह से बाहमी रिश्ते मजबूत हो सकेंगे। इसके अलावा आपके अजायम बहुत बुलंद होने की वजह से जोश और जज्बा भी पैदा हो सकता है, लेकिन आपको हर हालत में अपने आप को मुतवाजन रखना होगा, वरना आपकी जात हदफे तनकीद भी बन सकती है। सितारों के बेहतर असरात की वजह से आप गैर मुतवक्के तौर पर माली फायदा उठाकर दूसरों को ना सिर्फ नीचा दिखा सकते हैं बल्कि अपनी समाजी हैसियत में भी ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। आज का दिन बहुत मुआविन और मददगार साबित हो सकेगा और इसके मुरतब होने वाले असरात मजमूई तौर पर मस्बत होंगे और ये असरात किसी भी खास शोबे के लिए मखसूस नहीं होंगे। बुर्ज मीज़ान। आज सितारों के मस्बत असरात के मुताबिक आपको नई शराकत दारी की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत मुनाफे बख्श और फायदेमंद साबित हो सकेगा। मगर इन सब बातों के बावजूद नए हिकमत अमली या नई मनसूबाबंदी के बारे में भी तैयार रहें। अपने बारे में दूसरों की राय सुनकर गुस्सा ना किया करें बल्कि ठंडे दिल से अपना तज़िया करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने समाजी मसाइल को हल करने के लिए माली अहदाफ के हुसूल में कामयाबी मुमकिन बना सकें।
आज अपने सितारों की मुआविनत को भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें। इसके अलावा मुमकिना तौर पर आपको किसी सफर पर जाने का मौका भी मिल सकता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप क्या फैसला करते हैं। बुर्ज अकरब, आज आपके सितारे आपकी मुआविनत के लिए मौजूद होने के अलावा आपको अल्फाज से खेलने की अपनी कुदरती खूबी से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आज अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके दूसरों के दिल में छुपी बातें भी जान सकेंगे। बहुत से नए मंसूबे बनाने और अपनी तरजीहात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर किसी मामूली मसले की वजह से वक्त के ज़ियां से बचे। जिस हद तक मुमकिन हो जिंदगी को समझकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, वरना बाद में अफसोस हो सकता है। आज आपको गैर मामूली ताकत का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जज्बाती कैफियत कुछ इस तरह होगी कि जैसे आप गैर मामूली अहमियत के हामिल फर्द हैं। बुर्ज कोस, आज अपनी सलाहियतों से काम लेकर हर चीज को हकीकत और अहमियत देने की कोशिश कर सकते हैं। किसी करीबी फर्द की जानिब से धोखा दिए जाने के इम्कानात भी सामने आ सकते हैं, इसलिए मोहतात रहें। दिन के आगाज में ही फैसले सोच समझ कर करें और बेहतर और वाजिया हिकमत अमली जरूर अपनाएं, ताकि किसी भी किस्म के पोशीदा मामलात की वजह से आपका कोई माली नुकसान ना हो सके। आज आपके लिए एक बहुत अहम दिन है, जिसमें आप अपनी जिंदगी का मकसद पाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर सकते हैं। आज मुमकिन हद तक अपने प्यारों की राय का एहतराम करें, सिर्फ अपने वजदान की हद तक कोई फैसला ना करें। आज अगर आप अपना मकसद पाने की जद्दोजहद शुरू करना चाहते हैं, तो फिर हर इम्कान पर गौर जरूर करें। मोहब्बत और रुमानियत के एहसास की वजह से आज मुमकिना तौर पर किसी प्यारी शख्सियत से मुलाकात का मौका मिल सकता है, जबकि उसके बाद ही अमली सरगर्मियों का आगाज कर सकेंगे।